हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बिगेस्ट मल्टीवेस स्टॉक बताऊंगा जिसमें आप सभी लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कंपनी 20-25 सालों में 25,000% का रिटर्न बना के दे सकता है। जीरो डेट फ्री कंपनी है, बहुत बड़ी ग्रुप से कंपनी आती है। इस कंपनी में आप मंथली बेस आईपी कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो। मैं खुद भी इस कंपनी में मंथली एसआईपी करता हूँ। क्वालिटी कंपनी है, नंबर वन कंपनी है। आने वाले सालों में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा हो सकता है। आप सभी लोगों को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए, आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो। सबसे पहले मैं इसका ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ, और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया है, उनके प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं। और भैया जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती हैं तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। और ऐसी ही कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर मार्च 15 में था वो 1022.44 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 1915.18 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 1022 से 1915 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 1064.28 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 2096.78 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है ईयर टू ईयर वाइज, 1064 से 2096 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा। तो भैया मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कहीं से भाई कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 590.90 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1205.95 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 590 से 1205 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एबिट्टा देख लो भाई, एबिट्टा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिट्टा था वो 632.74 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 1387.55 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिट्टा है ईयर टू ईयर वाइज, 632 से 1387 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिट्टा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई तो आपको साल में 100 से 150% रिटर्न मिल सकता है। तो आप लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाइए, जीरो डेट फ्री कंपनी है, बहुत बड़ी ग्रुप से ये कंपनी आती है। आप लोग भाई अगर अरबपति बनना चाहते हो तो पैसा लगाइएगा, मैं खुद भी इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगा रहा हूँ। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा बनेगा ही। प्रॉफिट एंड लॉस को देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर बेस का शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 415.50 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 930.60 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 415 से 930 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। रिपोर्टेड पार्ट देख लो, रिपोर्टेड पार्ट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पार्ट था वो 415.50 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 930.60 हो चुका है।
तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। जीरो डेट फ्री कंपनी है भाई, आने वाले सालों में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा होगा। आप लोग अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। इस ग्रुप की आप सभी कंपनी में पैसा लगा के रखो। अरबपति बनना है भाई तो इस कंपनी में पैसा आपको लगाना ही पड़ेगा, तो खरीदिएगा। HDFC AMC का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। HDFC ग्रुप ही कंपनी है, म्यूचुअल फंड का बिजनेस है, AMC का बिजनेस है। आप जो म्यूचुअल फंड में पैसे जो लगाते हो भाई, उसे ये कंपनी शेयर बाजार में लगाती है, डेट फंड में लगाती है, गोल्ड में लगाती है। आप जैसा बोलते हो वैसा ये कंपनी करती है और अपने ग्रुप का भी पैसा मैनेज करती है। जीरो डेट फ्री कंपनी है। आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में HDFC AMC का शेयर होना ही चाहिए। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो तो मुझे लगता है कि ये कंपनी 20-25 सालों में 25,000% का रिटर्न बना के दे सकता है। आने वाले समय में ये कंपनी निफ्टी 50 का भी हिस्सा होगा। HDFC AMC पे मैं पहले भी कई बार वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। तो ये वीडियो मैं 6 मार्च 2019 को बनाया था, किस प्राइस से बनाया था वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो 1,504 रुपये के प्राइस से बनाया था 6 मार्च 2019 को। और भैया अभी इस कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है वो भी मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। तो अभी इस कंपनी का प्राइस चल रहा है वो 2,164 रुपये चल रहा है, और लाइफ टाइम हाई जो है वो 3,844 रुपया। तो आप लोग HDFC AMC में पैसा लगाइए, यहाँ से भी ये कंपनी आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। मैं खुद भी इस कंपनी भाई मंथली SIP कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात HDFC AMC में आपका कैपिटल सेफ रहेगा। और भैया अगर आपका कैपिटल सेफ रहता है तो आप रिटर्न तो बना ही लोगे लॉन्ग टर्म में। जो खरीदेगा ना वो पक्का पैसा बनाएगा, करोड़पति अरबपति बनेगा। एक एक शेयर करके खरीदते रहो, ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है भाई। AMC का जो बिजनेस है ना वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे क्या मुझे रिलायंस निपोन में पैसा लगाना चाहिए, RNA में पैसा लगाना चाहिए। तो भैया आप लोग रिलायंस निपोन में पैसा लगा सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छी कंपनी है, इशू प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन सी कंपनी पसंद है, तो भैया मुझे तो HDFC AMC ही पसंद है। लेकिन आप चाहो तो रिलायंस निपोन में पैसा लगा सकते हो, RNA में पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पैसा लगाइए वो लॉन्ग टर्म के लगाइए, शॉर्ट टर्म में कभी भी पैसा नहीं बनता है। ये सब कंपनी पैसा लगाने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पैसा लगा दो। सोचो बिल्कुल ही मत, आंख बंद करके पैसा लगा दो। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ। जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। और भी आप लोग कई सारी कंपनी पैसा लगा सकते हो जिसमें इस समय अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, 40 से 50% करेक्शन हो चुका है। बजाज फाइनेंस में आप पैसा लगा सकते हो, बजाज फिनसर्व में पैसा लगा सकते हो, कोटक महिंद्रा बैंक में पैसा लगा सकते हो, IGL, बर्जर पेंट, रिलैक्सो, टाइटन, क्वालिटी कंपनी में अगर आप पैसा लगाओगे ना तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही। कोशिश कीजिए क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाने का। मैं भैया रिपीटेड वीडियो आप ही लोग के लिए बनाते रहता हूँ। मैं चाहूँ तो डेली नई कंपनी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं डेली नई कंपनी वीडियो बनाऊँगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे किस कंपनी पैसा लगाए किस कंपनी पैसा ना लगाएं। तो आप लोग HDFC AMC में पैसा लगाइए, दिल खोल के पैसा लगाइए, जितना पैसा लगाना चाहते हो पैसा लगा दो। HDFC ग्रुप की जितने भी लिस्टेड कंपनी है भाई, उसमें से सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के देगा वो HDFC AMC ही रिटर्न बना के देगा। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, ये बातें मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ। मैं तो बोलूंगा HDFC ग्रुप की जितने भी लिस्टेड कंपनी है सभी कंपनी आप लोग पैसा लगा के रखो। तो आप लोग पैसा लगाइएगा, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। और भैया अभी पैसा नहीं लगाओगे तो कब पैसा लगाओगे, एक एक शेयर करके खरीदते रहो ना, इस कंपनी में आपका पैसा थोड़ी ना डूबेगा। HDFC AMC अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो भैया यहाँ पे 10 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, 3 साल का रिटर्न नहीं शो करेगा, क्योंकि इस कंपनी का IPO जो आया था वो जुलाई 2018 में आया था, 1,100 रुपये के प्राइस पे आया था, धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी भाई। और मैं इस कंपनी पे वीडियो 1500
₹4 के प्राइस से बनाया था। तो देखो वन ईयर टेन है वो 38.86% टेन है, सेंसेक्स टेन है -27.29% टेन है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट -32.30% टेन है, सेंसेक्स टेन है -31.48% टेन है। वन मंथ में देख लो, वन मंथ है -31.10% टेन है, सेंसेक्स टेन है -26.20% टेन है। वन वीक में देख लो भाई, वन वीक में यहाँ पे रिटर्न शो नहीं कर रहा है तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, वन डे में देख लेता हूँ। तो भैया वन डे में नहीं शो कर रहा है, लेकिन आप लोग HDFC AMC को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, और भैया लॉन्ग टर्म के लिए जगह दीजिए, 20-25 सालों के लिए दीजिए, तभी जाके आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म भाई कभी भी पैसा बनता ही नहीं है, दिल खोल के पैसा लगाइए HDFC AMC में। ये ऐसी कंपनी है भाई ना जिसमें आपका पैसा हर साल डबल हो सकता है, अच्छा खासा करेक्शन भी हो चुका है। तो पैसा लगाते रहो, एक एक शेयर करके खरीदते रहो, डरो बिल्कुल भी नहीं, जीरो डेट फ्री कंपनी है। यहाँ से भी स्टॉक अगर नीचे जाता है तो आप लोग और भी पैसा लगाना, हर गिरावट में खरीदना, लोअर में खरीदते रहना, एक्युमुलेशन करते रहना। अगर फिर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन भेजना, बेल बटन प्रेस नहीं करो भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते। धन्यवाद। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का। कॉन्टैक्ट कीजिए मुझसे, पेड सर्विस चाहिए तो।